हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। देखिए आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, दिखाते हैं। देखिए हम इतना पत्ता गोभी काट के रखे हैं, और इधर देखिए, इधर ये मैदा है और ये आरा रोट है। पता नहीं और सब क्या चीज़ में बनाते हैं, सबका अपना चॉइस। आज हम बना रहे हैं चाइनीज पकौड़ा, वो देखिए आप लोग और ध्यान से देखिए। और ये देखिए थोड़ा सा इसमें सोडा डाल रहे हैं फूलने के लिए, कलर है ये, लाल करता है तभी चाइनीज पकौड़ा लाल लाल दिखती है। और नमक अपने स्वाद अनुसार जितना लगे उतना डालना है। आप लोग देखे होइएगा, पहला जो वीडियो हम लोग बनाए उस वाले में मेरी दोस्त गई थी अपने फ्रेंड के घर पे पकौड़ा खाने, तो मैं सोची कि इनको पकौड़ा बहुत ज्यादा पसंद है, इसके लिए मैं बोली कि थोड़ा बना देती हूँ, ये भी खा लेंगी और दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। बम्बई में तो सबके आता ही है बनाने के लिए, लेकिन गांव वाले लोग थोड़ा बना लेंगे। इसको मिक्स करने में मैं चाहती हूँ तुम बाहर कहीं ना जाओ खाने। लेकिन इसका कलर थोड़ा अलग हो गया है, पूरा पिंक पिंक बनेगा। देखिए कोई बात नहीं, हम लोग पिंक खाएंगे। जो लोग रेड डालना चाहिए कलर, लेकिन हम लोग को कलर वाला चेंजिंग दे दिया, इसके लिए हम लोग यही डाल दिए। और अभी ये मिक्स हो गया अच्छे से, अभी इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक चटनी का दिखाते हैं आप। देखिए अभी मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें तेल रखे है मीठा तेल, अभी चटनी के लिए। अभी दिखाते हैं इसमें तड़का। ये देखिए तड़का के लिए मैं अदरक लहसुन मिर्चा और पत्ता गोभी रखे है। सबका अपना चॉइस रहता है चटनी खाने का। ये देखिए इसमें डाल दिए अभी चटनी के लिए, इसको सिलो तापे पकाएंगे। सिलो करके ना? सिलो करके उसके बाद अभी दिखाते हैं क्या करना है। ये आरा रोट है चटनी के लिए, जैसा पतला मोटा जैसा खाने का इच्छा रहे। देखिए ये कलर, अभी हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ये भी गुलाबी है, हमारे गांव वाले लोग जरूर बना के खाएंगे। क्या डाली? नमक स्वाद अनुसार चटनी के लिए। देखिए अभी हमारा मटेरियल थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डालने जा रहे हैं जो मिक्स करके रखी है आरा रोट। लेकिन इसका कलर लाल लाल नहीं आया है, थोड़ा अलग आ गया है कलर, अच्छा नहीं दिए दुकान वाला, ये रेड होना चाहिए, पिंक हो गया। देखिए सब घान हो गया कलर की वजह से। आप लोग जब ट्राई करिए तो कलर ध्यान से लीजिए, गुंजा की तरह कोई भी कलर मत उठाइए। देखिए हमारा चाइनीज पकौड़े का चटनी बन के तैयार है, देखिए आप लोग। लेकिन थोड़ा इसका कलर अलग हो गया, इसके लिए आप लोग कलर इसमें रेड डालिएगा, क्योंकि चटनी इसका रेड बनाया जाता है। चटनी रेडी हो चुकी है, देखिए इसमें तेल डाले हैं, हमारा तेल अब इसमें गर्म हो चुकी है। अब देखिए हम पकौड़ा तल रहे हैं, खुशबू अच्छी आ रही है। गुंजा बउआ इधर पकौड़ा खाएगा बउआ? हाँ। कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? पप्पा बनाया है। तो हाँ। मम्मी की पूरी बेइज्जती कर डाला, पप्पा तो काम पे है करने का, पे होता है जंगल में, पे कुत्ता पत्ते को खा जाते हैं। सब्सक्राइबर लोगों को डरा रहा है कि उधर भूत आया है। आपको कोई भाई को बुला बस कर, नहीं तो लोग भाग जाएंगे, तेरा भाषा समझ ही नहीं पाएंगे। पूरा देखो मैडम आई है, जानवी पकौड़ा बन रहा है। हाय दोस्तों, कैसी है बता दे अपने बारे में। अच्छी हूँ मैं, पकौड़ा खा के अभी ट्यूशन जाऊंगी, 6 बजे का ट्यूशन भी है ना। देखिए ये पिंक दिख रहा है, लेकिन तेल में डालने के बाद एकदम रेड हो गया। देखिए हम लोग सोच रहे थे ये भी पिंक ही बनेगा, लेकिन रेड हो गया। देखिए
सिर्फ ये पिंक दिख रहा है, सिर्फ ये पिंक दिख रहा है। चटनी दिखाओ जरा, चटनी भी लाल हो गई है देखो। चटनी भी रेड हो गई है। देखिए मेरी पकौड़ा बन रही है, लेकिन ये क्या है ना कि मीडियम ताव पे बनाना। पूरे फास्ट ऐसे कर दोगे ऊपर से लाल हो जाएगी, अंदर से पूरे कच्चे रह जाएगी। इसके लिए सिलो ताव पे, जब ये अंदर का सीज जाए तब थोड़ा फास्ट करके बना लेना। देखिए अभी यहाँ मेरी पकौड़ा बन बन के तैयार है। देखिए पकौड़ा मेरा तैयार हो चुका है, और अभी केप को देते है खाने के लिए, बोलेंगे कि स्वाद कैसा है, खा के बताएगा। भाई साहब मैं सो रहा था, अम्मी मुझे उठाए, बोलती है चल आंटी ने बहुत मस्त पकोड़ा बनाया, तो मेरे से रहा नहीं क्या, मैं फटाफट उतर के आया हूँ। कॉलेज से आके सोया था, अभी शाम के 6 बज रहे हैं, नाश्ते की टाइम हुई है। कैसा स्वाद देख, कैसा है, मुझे तो मुंह में पानी आ रहा। माशाल्लाह। अच्छा बनाइए ना, आप लोग भी बना के ट्राई करिए, अच्छा लगता है पकौड़ा। गाइस गुंजा का डिश बन चुका है, बहुत पसंद आया हम लोगों को। आप भी ट्राई करके देखिए गुंजा कैसा बनाती है, ट्राई करेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा, है ना गुंजा। आप ही लोगों के लिए खास करके बनाए कि बना करके ट्राई जरूर करिए। हाँ ट्राई जरूर कर दी, और उसमें ज्यादा कुछ लगा भी नहीं है, बस थोड़े ही सामान में बन चुका है। कोई आपके घर पे गेस्ट आए हैं तो फटाफट उनको चाय के साथ बना के दे सकते हैं, है ना, अच्छा लगेगा। तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता वास्ता करते हैं, तब तक के लिए बाय।